आठ विधानसभा के बूथ नंबर एक दरियापुर में राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम का स्वागत कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम का फूल मालाओं एवं ढोल नगाड़ों के साथ गांव का ग्रामवासियों के साथ प्रत्येक विकास कार्य की जानकारी ली तथा अपने सांसद निधि द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण किया। अपनी सांसद निधि से गांव में सीसी सड़क नाले एवं हाई मास्क लिए एवं सोलर लाइट प्लांट तथा सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए सुविधा स्वरूप पार्क का निरीक्षण किया गया एवं कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू एवं समाज सेवी गजेंद्र सिंह ने सांसद द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि 70 साल में यह गांव विकास को नहीं देख पाया था, लेकिन डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने इस गांव की कायाकल्प बदल दी। आज के कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राम किशोर सिंह, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, पूर्व जिला मंत्री अभिषेक सिंह निशु, ओमपाल सिंह सैनी, भानु प्रताप सिंह, मयूर भाटिया, अरुण पंडित, विक्रांत चौधरी, सत्यवान सिंह, ग्राम प्रधान दरियापुर प्रेम सिंह, बूथ अध्यक्ष अमीचंद सैनी, पुष्पेंद्र चौधरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजपाल सिंह प्रजापति, बबलू, मेवाराम सिंह, शेर सिंह, दिनेश कुमार, किशन स्वरूप, रामवीर सिंह, जय सिंह, महिपाल सिंह, जय प्रकाश, सोरेन सरदार आदि उपस्थित रहे। और इस वजह से आज और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के, चुन्नू जी के, गजेंद्र जी के सबके माध्यम से इस प्रयास से ये संभव हो पाया कि अब यहाँ पर एक पुल बनेगा। पुल से यहाँ पर आना जाना जो है वो जो रुक जाता था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और पुल सिर्फ एक कोई ऐसा नहीं है कि किसी पेपर का टुकड़ा है जिसमें लिखा है पुल बन रहा है। पुल एक विकास का माध्यम है, विकास का माध्यम है। जो विकास यहाँ नहीं हो पा रहा था पुलिया की वजह से, अब यह कनेक्टिविटी बन जाएगी तो यहाँ पर विकास बहुत होगा। और मैंने ये ठाना है कि इस गोद को चुके गांव को गोद लिया है।